हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बट जॉइंट के बारे में। बट जॉइंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका उपयोग स्टील की दो बार को जॉइन करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस का यूज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी कॉमन है और इसे आजकल बहुत ज्यादा प्रेफरेंस भी दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बट जॉइंट के टेक्निकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही बट जॉइंट की स्पेसिफिकेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बट जॉइंट क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। और इसके साथ ही मैं आपको कॉलम में ओवरलैप को कम कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसी टेक्निक इंट्रोड्यूस की है जिससे ओवरलैप में लगा एक्स्ट्रा स्टील और कॉस्ट दोनों सेव किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम है बट जॉइंट, जो कि आईएस कोड 9417:2018 भी रेकमेंड करता है। आईएस कोड 456:2000 क्लॉज नंबर अगर आप चेक करोगे 26.2.5.1 का अमेंडमेंट नंबर 3 के अनुसार 32 mm से ज्यादा डायमीटर वाले बार्स में लैपिंग नहीं किया जा सकता है। अगर आप SP34 अपेंडिक्स ए पेज नंबर 209 देखते हैं तो वहां पे माइल्ड स्टील और डिफॉर्म बार्स में वेल्ड जॉइंट को अलाउ किया गया है। आईएस 9417 में अलग अलग प्रकार के वेल्डिंग परमिटेड किए गए हैं, जैसे कि बट जॉइनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स, बट वेल्ड ऑफ शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, बट वेल्ड ऑफ गैस प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस जिसे हम लोग GPW भी कहते हैं, लैप वेल्डिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। नॉर्मल वेल्डिंग जॉइंट की हेल्प से TMT बार को जॉइंट करते हैं तो हमें फिलर मटेरियल की जरूरत होती है और इसमें हाई सुपरविजन की रिक्वायरमेंट भी होती है। बार को स्पेसिफाइड एंगल पर कट करना भी पड़ता है जिसे बार बेंडर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकता है और इससे जॉइंट की स्ट्रेंथ भी TMT बार से कम हो जाती है। लेकिन जब हम बट जॉइंट की हेल्प से TMT बार को जॉइंट करते हैं तो हमें फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, ओनली सेल्फ मटेरियल यूज किया जाता है। इसके साथ ही बार को किसी स्पेसिफाइड एंगल पर कट करना भी नहीं पड़ता है और बट जॉइंट की स्ट्रेंथ भी TMT बार से ज्यादा आती है। अब बात कर लेते हैं बट जॉइंट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है बट, यानी कि बट मींस दो बार के एंड पार्ट को आपस में जोड़ना और जोड़ने में टाइम भी कम लगता है। बट जॉइंट की वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो बट जॉइंट्स रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब चलिए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैगरिंग के बारे में भी जान लेते हैं। आईएस कोड 456 क्लॉज नंबर 26.2.5 पेज नंबर 44 के अनुसार एक जगह 50% से ज्यादा बार्स ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इस सुझाव का मकसद RCC मेंबर्स को अचानक से फेलियर होने से बचाना है। अगर हम एक जगह 50% से ज्यादा बार्स ओवरलैप करते हैं तो भूकंप के केस में उस जगह पर हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगा और उस वजह से जॉइंट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ही जगह पर ओवरलैपिंग बार्स की संख्या को कम करते हैं तो जॉइंट्स फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस स्टैगरिंग के लॉजिक को समझने के बाद हमने ये समझा कि एक जगह पर जॉइंट्स की संख्या को कम करने से RCC मेंबर्स भूकंप के खिलाफ और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्टेक्ट ने ये आइडिया दिया है कि हर बार को अलग अलग लेंथ के रिबार से स्टैगर किया जाए। कॉन्टेक्ट यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो हर बार को स्टैगर कर सके, यानी कि कॉन्टेक्ट के कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से हर बार का जॉइंट अलग अलग लोकेशन पर होगा, क्योंकि सारे रिबार जॉइंट्स अलग अलग लोकेशंस पर हैं, इसलिए फेलियर के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आईएस कोड 9417 के अनुसार बट जॉइंट किसी भी जोन में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए जोन ए या जोन बी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे हर बार को स्टैगर करने से डिफरेंशियल वेट बचाया जा सकता है, जो अल्टीमेटली पैसा ही आपका बचाता है, क्योंकि आमतौर पर जब कॉलम नेक्स्ट फ्लोर पर एंटर करता है तो रिबार डायमीटर चेंज हो जाता है। अगर आपको नहीं पता कि डिफरेंशियल वेट क्या होता है और इसकी सेविंग्स कैसे होती है तो मैंने आई बटन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है मेरे वीडियो का, उसको जाकर आप जरूर देखें, या फिर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका पूरा फंडा स्टैगरिंग को लेकर कंप्लीट हो जाएगा और आप डिफरेंशियल वेट के बारे में भी जान पाओगे। तो चलिए अब टेक्निकल बेनिफिट ऑफ बट जॉइंट समझ लेते हैं।
सबसे पहला, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कॉलम के मिड हाइट में यानी कि h बाई टू हाइट में हमें ओवरलैपिंग मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आप रीबार कपलर यूज कर रहे हैं या बट जॉइंट यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी जोन में आप ओवरलैप को दे सकते हैं, ये एज पर IS कोड बताया गया है। अगर आप IS कोड 13920 के क्लॉज नंबर 7.3.2.2 चेक करते हो जो कि पेज नंबर 9 में है तो वहां पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद नंबर 2, बट जॉइंट का इस्तेमाल करके स्टैगरिंग आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। नंबर 3, बार ओवरलैपिंग के लिए 1:6 रेशियो का स्लोप मेंटेन करना जरूरी होता है ऑन साइट पे, जो कि ऑन साइट पे इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बट जॉइंट करते वक्त आप दो बार को सीधा जॉइंट कर सकते हैं जिसमें आपको 1:6 रेशियो में ये स्लोप मेंटेन करने का कोई झंझट ही नहीं है। नंबर 4, अगर IS कोड 456/2000 के क्लॉज नंबर 26.2.5.1 के अमेंडमेंट नंबर 3 को अगर आप देखते हो तो हम लोग अधिक डायमीटर वाले बार्स को हम लोग लैप नहीं कर सकते, जहां पे बट वेल्ड ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन बच जाता है जो आपको पक्का करना है या फिर आप रिबारिंग कर सकते हो। उसके बाद नंबर 5, कॉलम साइज एरिया रिड्यूस हो जाता है जब कॉलम में ओवरलैपिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि डेड लोड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वैसे कॉलम में मैक्सिमम 4% स्टील बार दी जा सकती है और ओवरलैपिंग लोकेशन पे 6% ही अलाउ होता है रेनफोर्समेंट। 4% रेनफोर्समेंट लिमिट को मेंबर में रिबार कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए ही इम्पोज किया जाता है। बट जॉइंट का यूज करके कंजेशन को और ज्यादा रिड्यूस किया जा सकता है जिससे कॉन्क्रीट का कॉम्पैक्शन आसानी से हो सके और इससे हनी कॉम्बिंग जैसे प्रॉब्लम्स को भी हम अवॉइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद नंबर 6, बार्स का ओवरलैपिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है जिस वजह से लोड ट्रांसफर इफेक्टिव नहीं होता। इस केस में बट जॉइंट मेथड बार टू बार लोड ट्रांसफर को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करता है जैसे कपलर करता है। नंबर 7, बट जॉइंट में एक्स्ट्रा स्टिरप्स की जरूरत नहीं होती है जो कि ओवरलैपिंग के समय हमें यूज करना पड़ता है। कॉन्टेक बट जॉइंट के लिए IS 9417 में स्पेसिफाइड सारे टेस्ट को पास करता है। चलिए आप कॉस्ट बेनिफिट ऑफ बट जॉइंट देख लेते हैं। बट जॉइंट की मदद से ओवरलैप में जो एक्स्ट्रा बार लगता है उसको बचाया जा सकता है, इससे आपकी 1 square feet पर ₹15 सेव हो जाते हैं। नंबर 2, ओवरलैप में स्टील नहीं लगाने की वजह से बाइंडिंग वायर यूज नहीं होता है तो उसका भी पैसा सेव होता है यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो 1 square feet पर 30 पैसा आपका सेव होता है जो कि जॉइंट करने में जो करंट यूज हो रही है उसमें यूज हो जाता है। नंबर 3, जब मेन बार सेव हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्टिरप्स भी कम लग रहे होंगे और इसका भी पैसा सेव हो जाता है। लगभग 1 square feet में ₹1.80 आपका यहाँ पे सेव होता है। उसके बाद नंबर 4, जब ओवरलैप करते थे तो लैपिंग के लिए बॉटम वाले बार को भी कम से कम 1 से 2 meter बार निकालना पड़ता था, पर बट जॉइंट में ऐसा नहीं होता है। अदर फ्लोर में स्टील को ले जाने के लिए जो एक्स्ट्रा बार हम लोग दे रहे थे वो यहाँ पे जरूरत नहीं होती, वहीं पर ही दूसरे डाया का बार जॉइंट कर सकते हैं और ऐसा करने की वजह से 1 square feet में ₹6.5 आपका सेव होता है। नंबर 5, कभी कभी हमें 1 या 2 meter के छोटे स्टील की जरूरत होती है और उसको अगले फ्लोर तक पहुंचाने के लिए हमें 12 मीटर के स्टील बार यानी कि TMT बार से कट करना पड़ता है, जिससे वो 12 मीटर का पूरा स्टील वेस्ट हो सकता है और लैपिंग के लिए एक्स्ट्रा स्टील भी आपका यहाँ पे लग रहा है। लेकिन बट जॉइंट का इस्तेमाल करने से हमें मार्केट या फैक्ट्री से वो 1 या 2 meter का स्टील ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं और इस तरह से हमारा 1 square feet में ₹4 से ₹5 बच जाता है। नंबर 6, कट ऑफ बीम बार का इस्तेमाल। जब हम मार्केट से स्टील परचेस करते हैं तो उसमें से 5% स्टील का वेस्टेज 8mm और 10mm का जो स्टील होता है उसे लिंटेल और हुक्स एक्सेट्रा को कंप्लीट करने में यूज हो जाता है, लेकिन हायर डायमीटर का वेस्टेज हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन बट जॉइंट की मदद से हम कॉलम में एक्स्ट्रा बार के रूप में या बचा हुआ 1 meter का बार यूज कर सकते हैं जिससे 1 square feet में ₹1 हम बचा सकते हैं बहुत ही आसानी से। नंबर 7, मजदूरी का खर्च। बट जॉइंट का इस्तेमाल करने में कोई एक्स्ट्रा मजदूर की जरूरत नहीं होती है, ये काम जो बेंडर होता है उसकी लेबर भी कर सकती है और ये बचा हुआ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो सकता है। तो चलिए अब बट जॉइंट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कुछ टेस्ट है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहला है विजुअल चेक। इसमें वेल्डेड प्रोफाइल यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेल्ड सरफेस यूनिफॉर्म होना चाहिए, सरफेस डिफेक्ट से मुक्त होना चाहिए और वेल्डेड जॉइंट्स की मिसअलाइनमेंट कम से कम स्मॉलर बार के डायमीटर के 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है टेंसाइल टेस्ट। इसमें बट जॉइंट को UTM यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंतर्गत
टेस्ट करने पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पेरेंट बार के कम से कम 90% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है, जैसे FE415 के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट है 485 मेगापास्कल और FE500 के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट है 545 मेगापास्कल। आपको एक खास बात यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि UTM के अंतर्गत टेस्ट करने पर फ्रैक्चर बट जॉइंट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट है बेंड टेस्ट। बट जॉइंट मैंड्रेल के आसपास 60 डिग्री के एंगल तक बेंड करने में सक्षम होना बहुत जरूरी है। अब बट जॉइंट मशीन के बारे में भी जान लेते हैं। बट जॉइंट मशीन स्टील बार के जॉइंट्स बनाने के लिए इलेक्ट्रो स्लैग प्रेशर बॉन्ड जॉइनिंग मशीन का यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल टाइम बचाना, काम को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है और ये कॉन्टैक्ट आपको आसानी से प्रोवाइड करवाता है। ये मशीन लाइट इन वेट, साइज में स्मॉल, इजी मूवेबल, विंड प्रूफ, डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ होती है। तो अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं या किसी साइट पे काम कर रहे हैं और दो बार को लैप करने में, स्टैगर्ड करने में, इन सब में दिक्कतें आती हैं, तो आप भी कॉन्टैक्ट की मदद ले सकते हैं। आपको सारे डिटेल्स कॉन्टैक्ट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज बट जॉइंट से रिलेटेड वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी यूजफुल लगी है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।